हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे यू वर्सेस देम। आज सबसे पहले आपकी एनर्जी चेकआउट करेंगे, क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, जानने की कोशिश करेंगे। फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेकआउट करके हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए अगर आप मेरी रीडिंग के फ़ैन हैं तो, और अगर पहले नहीं करते बाद में तो करने ही पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। ओके, रेन ड्रॉप्स, ये आपकी एनर्जीज हम देख रहे हैं, अपने आप पे कंसंट्रेट कीजिए। फीस्ट, एस्केपिस्ट, ग्रे, मॉर्निंग, ठीक है। एंजल्स, हमें एक कार्ड और दीजिए। फेदर, ठीक है। ओह माय गुडनेस, बहुत ही सुंदर लग रहा है। प्लीज़ इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। आई जस्ट लव इट, लव द एनर्जी, आपकी एनर्जी है ये सारी। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। मैं अपने व्यूअर्स के बारे में बताना चाहूँगी, आप एक बहुत ही समझदार और हर चीज़ में समझ समझ के कदम रखने वाले इंसान हो। ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ एकदम से नहीं करते, एकदम से ऑन द स्पॉट नहीं करते। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो उसके पीछे मुझे लगता है उस चीज़ को लेकर आपने 100 बार सोचा होगा, तोला मोला होगा, फिर जाके आप उस पर काम करने के लिए रेडी होते हो। आप देखते हो कि इस चीज़ को करने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। एक चीज़ और, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो मुझे ऐसा लगता है। और कभी कभी इस वजह से कोई काम करने में आपकी तरफ से बहुत डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे आपके लकी नंबर्स बता देती हूँ। 39, 29, 40, 32, 37, 26, ये नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वाटर लवर हो, पानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो स्विमिंग करना हो, आपकी इच्छा रही है हमेशा से स्विमिंग सीखना, या फिर नहाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। विंटर्स में भी आप नहाना नहीं छोड़ते हो, ठीक है, पर जब भी आप नहाते हो बहुत फ्रेश फील होता है। या फिर आपको खाने से ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक चीज़ और भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है। जब भी कोई बात ऐसी हो जाती है, या तो दो चीज़ होती है, अपने आंसुओं को बहुत ज़्यादा टाइम तक आप होल्ड कर लेते हो, लेकिन जब एकदम से एक बार हो जाता है ना, दिल भर आता है, तो आप रो देते हो एक तरीके से, ठीक है, आंसू आपके टप टप गिर जाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अभी करंट फीलिंग्स में अगर आपकी बताऊँ तो, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हम बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, ठीक है, या तो हम बहुत ज़्यादा जंक खाने लगते हैं या तो फिर हेल्दी खाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त आप अपनी डाइट को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। एक चीज़ और, आप में से बहुत लोगों को क्रिस्टल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, या ये मान लो कि आपको ना जो मिस्ट्रीज होती है, या फिर कोई ऐसी स्टडीज, एस्ट्रोलॉजी, मिस्ट्री, जोडियक साइन, है ना, बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हो गया, कुछ हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना, नई नई चीज़ें जानना बहुत पसंद है। हो सकता है टी या कॉफ़ी लवर भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपने दिल की करना चाहते हो, दिमाग से नहीं दिल से ज़्यादा फैसला लेते हो। तो कभी कभी आप जब वो फैसला गलत हो जाता है ना, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो। कभी कभी तो खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हो, ठीक है, पर जब आप घर आ जाते हो, आप अकेले में होते हो, तब आपकी एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ आप किसी को जानते नहीं हो, ठीक है। एक चीज़ और भी है, आपको कोई चीज़ शुरुआत करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर जब कोई चीज़ ख़त्म होने को आती है तो आपके लिए वो बहुत पेनफुल होता है। दूसरों के लिए तो होता ही है, किसी को गुड बाय कहना आपके लिए इजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लव लाइफ में अगर आपने, आपके रास्ते में जितने भी लोग आए हैं अभी तक, आपने जितने भी लोगों को डेट किया है, उनमें से मैं बता रही हूँ कि आपने कभी भी किसी के साथ, ये नहीं कि हर किसी के साथ सीरियस हुए हो, नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं आप उनको डेट कर चुके हो जबकि रियल में सिर्फ लाइकिंग थी। तो आपने हर किसी को डेट नहीं किया है, आपने अभी तक एक या दो लोगों को ही सीरियसली डेट किया होगा, पर दोनों ही केसेस में, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में, आप अपने पार्टनर को नहीं, आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं। ये चीज़ मुझे साफ नज़र आ रही है। एक चीज़ और, हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स भी हैं,
करीबी भी हो सकते हैं, पर आप बहुत कम फ्रेंड्स बनाते हो, और उन फ्रेंड्स में से भी एकाध को या फिर हो सकता है खुद तक ही बात सीमित रखते हो, सबसे ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। और आपको दिन से ज़्यादा रातें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में मैं बात करूँ, इस वक्त करेंटली आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी क्लियर नहीं है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। कभी लगता है कि आप अपने पर्सन से कनेक्टेड हो, कभी लगता है कि अब बहुत दूरी आ चुकी है, अब रियूनियन होना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ के तख्त पे बैठ जाते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको आपके पर्सन, आपके इमोशंस कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अब आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। द सन, बहुत ही प्यारा सा कार्ड नीचे गिर गया, एक मुझे 2 मिनट दीजिए। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन का कार्ड देख लीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके पर्सन की मेजर एनर्जीज है। अभी रीडिंग के साथ साथ अभी और भी कार्ड्स लेंगे। देखो, ऐसा लगता है ना, इस पर्सन के लिए पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद की नज़रों में नहीं, दूसरों की नज़रों में, ठीक है। मुझे लगता है ये दुनिया के सामने दिखा देना चाहते हैं कि ये कितने पावरफुल है। ये दुनिया के सामने बिना दिखाए कोई चीज़ रह नहीं सकते। कोई चीज़ इनके पास है तो ये दे विल मेक श्योर कि ये दूसरों को दिखाएं, और दूसरों को पता हो उस चीज़ के बारे में कि वो चीज़ उनके पास है, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में हो। मुझे लगता है कि अगर मैं आपके पर्सन की करियर की बात करूँ, तो इस पर्सन ने करियर में मुझे लगता है बहुत अलग अलग चीज़ों में काम किया है, ठीक है। इनका एक्सपीरियंस बहुत रहा है इन सब चीज़ों में, और एक्सपोजर इनका काफ़ी ज़्यादा रहा है। लोगों से डील करना, बातें करना, उनको समझाना या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहा है। हो सकता है किसी ऐसे ही प्रोफेशन में हो जहाँ इनके पास लोग बहुत सारे आते हैं, इनके क्लाइंट हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, इनसे एडवाइस लेने आते हैं, इलाज करने आते हैं। इनमें से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इनके बारे में हर कोई अच्छा बोले और इनका बहुत ज़्यादा नाम हो। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से इनके पास शोहरत है, मनी इनके पास है, ये फाइनेंशियली मुझे स्टेबल लग रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत कम उम्र में ही आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। यहाँ पे सन की एनर्जी भी है, जिसका मतलब ये है कि मुश्किलों के बावजूद भी ये चलते रहे। ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत करनी हो, ये पर्सन तभी करते हैं कि जब इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो हो। ये पर्सन सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना पसंद करते हैं जो शायद इनको पसंद हो, दूसरों की ये कम सुनते हैं। ऐसा लगता है कि अगर कोई इनको कोई चीज़ सजेस्ट कर दे तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी बात मानेंगे, जब तक इनको ये खुद को ना लगा हो कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि ये लोगों से घिरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी ना बहुत मिक्स एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं कहीं तो मुझे लग रही है कि ये लोगों को बहुत कंफर्ट देते हैं, कहीं कहीं मुझे लगता है कि लोग इनसे बहुत खफा भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान 24 घंटे में 24,000 तरीके के अलग इमोशन से गुजरते हैं, जहां मुझे लगता है कि इनकी फैमिली को भी इनको संभालना है और काम को भी इनको संभालना है। लगता है कि इस वजह से ये अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहते हैं। हो सकता है ये जो आपके पर्सन हैं, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, ये अपने बालों पे बहुत ज़्यादा हाथ फेरते हों, या फिर अपने हाथ को बहुत ज़्यादा शीशे में एक्सप्लोर करते हो, देखते हों और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। हाइट इनकी मुझे टॉल दिखाई दे रही है, टॉल या तो फिर मीडियम दिखाई दे रही है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अपने इमोशंस को खुद तक ही सीमित रखा है, जब तक इनको लगा ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना लगी हो कि शेयर करनी है, ठीक है। लगता है कि इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है खुद के ड्रीम्स को पाने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँ, लव लाइफ में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मात खाई है।
यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट नज़र आ रहा है। द सन की एनर्जी हमें ये कहती है कि ये पर्सन हर उस चीज़ के पीछे चले जाते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि इस चीज़ को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे आ गया फोर ऑफ कप्स आ गया, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उस चीज़ में इस पर्सन का ना बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, लेकिन जिस चीज़ को पाने में इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े, चैलेंज हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो, तो इस पर्सन को लग जाता है कि हाँ दिस इज़ माइन। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, इसका मतलब साफ है इस पर्सन ने सेपरेशन देखा है, आपके साथ इनका सेपरेशन है, और यकीन मानो इस सेपरेशन ने इस पर्सन को आधा बर्बाद कर रखा है। इस समय मैं आपको एक एनर्जी बताती हूँ, यहाँ पे लगता है एक ट्रायंगल है जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी के आने की वजह से ये सेपरेशन है, और उसी थर्ड पार्टी ने डेविल का भी काम किया है। एक चीज़ और भी मुझे नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कुछ हवा आने की गैप छोड़ी है, इन्होंने खुद जगह दी जिसकी वजह से यहाँ पे डेविल की एंट्री हो पाई। दोनों के बीच में देखो डेविल आया है और दोनों को बेड़ियों से बांध दिया, इसका मतलब इस पर्सन की कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर्सन ने वो बातें बोलने के बाद भी कभी भी चैन की सांस नहीं ली। इनके आसपास जो हवा है मुझे यहाँ पे भारीपन नज़र आ रहा है, रिग्रेट गिल्ट नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ इनको बहुत बर्बादी नज़र आ रही है अपनी। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट, इसका मतलब ये है कि जितना भी इन्होंने अभी तक अचीव कर लिया है लेकिन मन में वो शांति वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं लगा है कि बस मेरा काम ख़त्म अब मैं फ्री हूँ, ऐसा इनको कभी भी नहीं लगा। ये हमेशा एक बोझ तले रहे हैं, और देख लीजिए इनको एक ऑफरिंग भी हो रही है पर इस पर्सन को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बोझ तले रहे हैं और इस बोझ को ये खुद ही संभाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपको बताते नहीं हैं पर इनके मन में चल रही है और उस चीज़ को ये खुद ही डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको शायद ऐसा लगने लगा है कि ये प्रॉब्लम अब कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। इसी वजह से ये पर्सन एक तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है इस पर्सन ने मान लिया है कि ये जो सारा कुछ हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है, फाइनली ये मान रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस चीज़ को ठीक कैसे करना है इस पर्सन को इस बारे में थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अभी बिज़ी हैं प्रॉब्लम्स को संभालने में। मुझे लगता है अभी बहुत सारे लोग इनके अंडर काम करते हैं, उनकी भी बहुत जिम्मेदारियां हैं इन पे, तो उसी सब में इनका दिन निकलता जा रहा है। लगता है ये पर्सन आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ये बोलना कम ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, पर शेयर करने लायक ही तभी होंगे जब ये अपने आंसुओं को पोंछ के उससे उभर पाएंगे। ऐसा लगता है कि इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत चाइल्ड लाइक बहुत बचपने वाली एनर्जी है, जहाँ पे जैसे बोलते नहीं एक बच्चे को एक चीज़ पसंद आ जाती है तो आ जाती है, अब वही चाहिए तो वही चाहिए, ठीक है, वही वाली एनर्जी है, बहुत इनोसेंसी वाली एनर्जी है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस बच्चे का दिल, इस इंसान का दिल सिर्फ आप ही पे आके अटक गया है, तो ये हिल नहीं रहे हैं कहीं से, अपनी जगह डटे हुए हैं और उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उस दुख से भी इनको सुकून मिल रहा है। इस वक्त करेंटली मैं देख रही हूँ जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि चक्रव्यूह ना बहुत ऐसे घूम रहा है जहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोलने लगेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, और इससे इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इनके आसपास वाले इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो इनके अंदर ये बदलाव आया है मुझे लगता है कि अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए आया है। इस पर्सन ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना पहले भी किया है पर मुझे ऐसा लगता है कि लव लाइफ में इस पर्सन की जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से चल रही हैं, तो इस पर्सन ने ठान लिया है कि वो बागडोर अपने हाथ में लेकर आपको कॉल या मैसेज करने की ज़रूर से ये सोचने की कोशिश करेंगे। ऐसा ये भी लगता है कि इस पर्सन ने ना अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन जब किसी के लिए भी ये इतना परेशान नहीं हुए, आपको देखते ही ये पर्सन रुक नहीं पाते, आपके लिए हमेशा ख्वाहिश रहती है आप एक इनाम की तरह हो, एक मेडल की तरह हो, जिसको पाने के बाद ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया के सामने ये जीत गए हैं। अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इनाम मेरा है, कहीं उस इनाम पे कोई और हाथ ना लगाए, कहीं उस इनाम पे कोई और अपना नाम ना लिख दे, या फिर उसका हकदार कोई और ना हो जाए। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई है, इस रीडिंग पर प्यार दे के ज़रूर जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आपका वेट कर रही है, उसको भी देख के ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।